इस बंदे से क्या शिकायत है आपको? ये सबसे घटिया बॉलर है। नहीं, इसको सुधार क्या करना पड़ेगा? सुधार क्या करना, इसे जो बोलते इसको सुनता है नहीं है। बोलते कि कहाँ ऐसे रखा, ऐसे रख, ये करता ऐसे ऐसे, तो बाहर ही जाने लग मैं कहाँ जाने, ऐसे रखा कर उठा, ऐसे 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 इस तरह से। हाँ, ये देख। गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, सुबह सुबह धूप ना अभी इस टाइम पे पूरी गोल्डन कलर की लगी हुई है, ये चेक करो, मतलब मेरे फेस पे भी लगी रहा होगा और चारों तरफ भी देख ही रहे होंगे आप, पूरा गोल्डन गोल्डन माहौल हो जाता है। सुबह भी गोल्डन, शाम को भी गोल्डन, दो टाइम गोल्डन आवर्स होते हैं हमारे यहाँ। तो खाली दुनिया तो आ गई है, पर पपलेश आज कहीं गया हुआ गाड़ी लेके सुबह ही दिग्गे में को गाड़ी जाते हुए, इसका मतलब है हमारे खिलाड़ी आज कम होंगे। मामू आएगा, मैं खाली, आज तीन होंगे। हाँ बेटे, कहाँ खोया है पप्पी? कहाँ गया पप्पी भाई? ओहो, ये देखो जी, सुबह सुबह धूप लगते हुई 6 बजे और गांव का माहौल बहुत ही सुंदर होता हुआ। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने अखाड़े में, अब यहाँ पे स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज शुरू होगी 1 घंटे में। 1 घंटे में एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद फ्री हो जाएंगे, फिर निकल जाएंगे। और इधर ऊपर है किसी की भेड़िया ना, यू जंगल में धुआं लगा रहा है, हम यही सोच रहे थे कि क्यों धुआं है यहाँ पे। यहाँ से देखो आप सीधा, ये देखो बहुत सारी भेड़िया हैं, बहुत सारी भेड़िया, बीच बीच में भेड़िया भी है, नहीं हाँ भेड़िया भी है थोड़ी बहुत। ये भी हमारे यहाँ एक तरह का माल है, इसे भी माल कहते हैं, जो कि है मोटू कल्याण की सारी बकरियाँ। ये आई है सिरमौर से, इतना लंबा ट्रैवल करके आई है यहाँ पे, अब इसके बाद जाएगी चुगने को इधर नीचे कहीं जंगलों में, इधर को जाएगी। ये देखो कितनी सारी है, अभी तो सारी आएगी ना, जैसे नीचे से जितनी भी सिरमौर साइड गली होती है ना सर्दियों के लिए, फिर वो सारी आएगी अब घर की तरफ, इससे भी ज़्यादा ज़्यादा। हम लोग आज एक्सरसाइज का सेशन लगा के आ गए हैं और जल्दी आ गए आज, क्योंकि आज टांगों की हालत ख़राब, पिछले कल की हमने लेग ज़्यादा मार दी लेग की एक्सरसाइज, तो इस वजह से टांगे बहुत ज़्यादा दर्द है, जिस वजह से हमने आज हल्का फुल्का किया। फिर उसके बाद काम भी थे हम लोगों को थोड़े बहुत, उन काम को निपटाने के लिए घर आना पड़ा बीच में, फिर वापस जाना पड़ा, पता नहीं क्या क्या हुआ। चलो जैसा भी है, निपट गया सारा, अब जाते घर फ्रेश होते, फिर मिलते आपसे। हम लोग एक्सरसाइज करके जैसे ही आते हैं, बंदा ड्यूटी वाले बंदे भी मिल जाते हैं। धूप लग रही है यार, ले सब पकड़ ले। हाँ, सुबह का कोई अच्छा सा संदेश? फोन ही छूट गया था, कुछ नहीं है, क्यों ऐसा? जो हमारे पीछे बंदे है ना, वो भी आज जा रहे, यही है, ये पार से आ गए, पार से हमारे नेपाली भाई भी नेपाल जा रहे हैं, तो उससे बहुत तो होने वाला है हम लोगों। काफी टाइम वेस्ट करने के बाद अभी थोड़ा सा काम पड़ गया है पंचायत में, उस वजह से हम मैं और भैया आ गए थे पंचायत, भैया आ गए थे गिरसारी से, फिर अब थोड़ी देर पंचायत में काम है, वो निपटाएंगे, पता नहीं अब कितनी देर लगेगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भी कुछ नहीं कह सकते, पता नहीं रोड की मेंटेनेंस का काम भी हर दिन ही चला हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ना, हर दिन ये मतलब पता नहीं क्या, ये हर दिन केमिकल कुछ ना कुछ पड़ता रहता है। आज इसमें पहले केमिकल पड़ा, उसके ऊपर रेता पड़ा, और पीडी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स भिजवाने सारे लगे हुए अपने अपने, उसमें करो करो जल्दी करो, अब यहाँ पर निपट जाएंगे हम, भैया का वेट करें, भैया जाना है ना अभी, इसलिए यहाँ पर रुके हुए। खाना भी खुद बनाना पड़ेगा आज तो, क्योंकि दीदियाँ नहीं है ना आजकल घर पे, दीदियाँ तो रूम पे रहती रोडू में, तो मैं मम्मी दो ही है घर पे, तो लंच मुझे खुद बनाना होता है, सुबह शाम मम्मी बना के देते, तो अभी लंच भी बनाना पड़ेगा इसके बाद,
अब लंच लंच बनाऊंगा, फिर लंच करूंगा, फिर थोड़ी देर रेस्ट करूंगा, फिर उसके बाद शाम के टाइम ही अब घर से निकलूंगा। और मौसम भी ख़राब होने लग गया है, ये देख सकते हैं कल तक कैसा था मौसम और आज कैसा हो गया, धूप धूप कुछ नहीं आज। ये देखिए ऐसा कुछ हालत है गांव की जो कि देखने लायक नहीं है। आज धूप ही नहीं है, मुझे लग रहा था कि बहुत गर्मी हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चलो जैसा भी है जो भी है, ठंडक ठंडक तो है। वक्त हो चुका है शाम का और शाम के टाइम मैं रोड में आ चुका हूँ अभी तो। अभी तक तो मुझे कोई भी नहीं मिला है यहाँ पे, मतलब मेरे दोस्त वगैरह सारे कोई भी नहीं है अभी। अब जाएंगे ग्राउंड की तरफ, फिर जाके कहीं कोई मिले तब जाके कोई बात हो, तब जाके टाइम पास हो। ऐसे ही निकाल दिया मैंने, 5 बज चुके हैं और मेरे पीछे देखो आप शोर मचा के कौन आया है। हेलो 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 हेलो, स्कूल की गाड़ी आ गई रोहित वाली, सारे बच्चे हेलो हेलो बोल रहे। मैं आ गया हूँ ग्राउंड में और यहाँ पे बंदों को गालियाँ, क्या गालियाँ पड़ रही है, जो जो मेन बोल रहे हैं उनको पड़ रही है गालियाँ। सुन लो गालियाँ पड़ रही है गालियाँ अभी बंदों को। चलो एक बॉल और ट्राई कर दे अब चेतन ने की। 3 बजे लग गए खेलने, क्रिकेट का कोच यहाँ बैठा हुआ है। चलो सुशांत कल्याण, हिमांशु बेटा हट जा जरा। इस बंदे से क्या शिकायत है आपको? ये सबसे घटिया बॉलर है। नहीं, इसको सुधार क्या करना पड़ेगा? सुधार क्या करना है, इसे जो बोलते हैं इसको सुनता है नहीं है। बंदों का वो एक खराब कर दिया है। हाँ चलो जरा ये सुन तो, आप डालो एक बॉल। गाइस तो घूम फिर के मैं आ चुका हूँ घर पे और ऐसा कुछ था हमारा आज का दिन। और अभी इस ब्लॉग में इतना ही, इस ब्लॉग को कर रहा हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।